हेलो माय लवली फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कैनवस के ऊपर ग्लास कलर यूज करके एक सुंदर सा डेकोरेटिव पीस बनाने वाले हैं, जिसको आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी हम ऐसे ही साथ में बने रहें और आप हर एक वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने नीचे एक कैनवस बोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैं लाइनर से काम कर रही हूँ। आप अगर कैनवस बोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं, आप घर पर कैसे बनाते हैं कैनवस, ये मैंने घर पर ही बनाया है, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आप ड्राइंग करना जानते हैं तो आप खुद से अपना डिज़ाइन बनाइए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने डिज़ाइन को ट्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं ग्लास लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप इसको किसी भी पेंटिंग वाली जो हमारी शॉप होती है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डिज़ाइन है उसको कम्प्लीट आप पूरा ऐसे ही उसको कवर करें अपने ग्लास लाइनर से। उसके बाद आप उसको ड्राई करने के लिए छोड़ें एटलीस्ट 10-12 आवर्स। उसके बाद आप अपने जो कलर्स हैं ग्लास कलर्स आप यूज़ करें। ग्लास कलर भी आप सेम परचेज कर सकते हैं ऐसे ही। ग्लास कलर को यूज़ करने से पहले जो आपका बेस है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, आपके जो लाइनर है जो आपने यूज़ किया है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसी के बाद आप जो आपके कलर हैं उनको यूज़ करें। यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन आपको बताया है, ये बिगनर्स के लिए है। अगर आपको और भी अच्छे डिज़ाइंस इस तरह से चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए आगे भी ऐसे डिज़ाइंस लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी हम ऐसे ही साथ में इन वीडियोस को एंजॉय करते रहें। तो चलिए आज की वीडियो एंजॉय करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की वीडियो। Thank you.
अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, मैंने इसको 10 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ा था। अब जो भी आप यहाँ बनाना चाहते हैं या कोई कोटेशन लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा जो आपने पहले किया था। पहले आप लाइनिंग पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए फिर आप उसमें अंदर कलर करेंगे। अगर आप मेरे साथ हैंडराइटिंग के लिए जुड़े हैं, कैलीग्राफी के लिए जुड़े हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पेंटिंग की वीडियोस डाल रही हूँ। अगर आपकी उससे भी रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चन है या आप कुछ सीखना चाहते हैं कैलीग्राफी में, ड्राइंग में, या फिर हैंडराइटिंग के लिए आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं बीच में वो भी आपके लिए लाती रहूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर बार एक वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ जो आपको अच्छा लगे, क्रिएटिव हो, और आप उससे अपने घर को डेकोरेट कर सकें, अपने रूम को डेकोरेट कर सकें, और अपनी जो अंदर की क्रिएटिविटी है उसको बाहर ला सकें।